नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आपने पूरा मेहनत किया, अच्छा मोटो व्लॉग बनाया, लेकिन कैमरा व्यू गड़बड़ हो गया। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसा काय, कैसे हो, केम छो, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग जब आप करते हो तो वो टाइम पे जो नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स होता है उसके बारे में। तो इसे कुछ टोटल मिला जुला के 5 मिस्टेक्स है जो मैंने निकाले हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड यस, मैंने भी ये मिस्टेक किए थे जब भी मैंने शुरू में स्टार्ट किया था मोटो व्लॉगिंग। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग वैसे मिस्टेक्स नहीं करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड होप सो आप लोग ये वीडियो देख के लाइक सही तरीके से मोटो व्लॉगिंग करो। ओह माय गॉडनेस, आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ओके, तो मोटो व्लॉगिंग करना मतलब कुछ इस तरीके से नहीं है कि चलो ठीक है, आपने एक अच्छा हेलमेट लिया, एक अच्छा एक्शन कैमरा लिया एंड आपने मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बना दिया, एक अच्छा माइक ले लिया एंड फिर सडनली आप लाइक बाहर निकल गए एंड मोटो व्लॉगिंग करने जा रहे हो। नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप लोगों को लगती है मोटो व्लॉगिंग करने के टाइम पे। यस, एंड वो चीज़ें लाइक शुरू में बहुत सारे बिगिनर्स लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं या फिर वो लोग समझ नहीं पाते हैं एंड मोटो व्लॉगिंग वो फिर सोचते हैं अरे यार सही तरीके से क्यों नहीं जा रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। बट एक्चुअली उसका चीज़ ये रहता है कि खामी जो रहता है वो आप लोगों के अंदर रहता है। यस, एंड उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको स्टार्ट टू एंड तक हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना एंड एंडिंग में मैं आप लोगों को प्रो टिप देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना 5 मिस्टेक में से। सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि लोग ऑफ टॉपिक बात करना चालू कर देते हैं। यस, ठीक है, मैंने देखा है व्लॉग या मोटो व्लॉग किसी और टॉपिक पे होता है एंड अंदर बात कुछ और टॉपिक पे करते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। यस, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि थोड़ा टाइम के लिए ठीक है कि लाइक आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपको कुछ दिखा एंड आपने उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया, बट ये चीज़ सही नहीं है कि आप ऑफ टॉपिक चीज़ों के बारे में बात करना चालू कर देते हो। आपके व्यूअर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा एंड ऑफ टॉपिक पे अगर आप ज़्यादा बात करोगे तो सिंपल सी बात है, लोग आपके वीडियोज़ देखेंगे नहीं। अगर कोई बंदा आपका टाइटल देख के आया है एंड उसको वो चीज़ देखने नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ एग्जैक्टली 1000% गलत रहेगा। सोचो कि लाइक आप किसी मोटो व्लॉगिंग चैनल पे जाते हो एंड वहाँ पे टाइटल कुछ और दिया है एंड बंदा बात कुछ और कर रहा है, तो क्या आपको वैसा मोटो व्लॉग देखना पसंद आएगा? सो नहीं, सबसे पहला चीज़ यही है कि आपको ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा वो दूसरे को कैसे पसंद आएगा, राइट? तो ये चीज़ सोचना है। अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे मोटो व्लॉग्स देखे हैं जिसमें टाइटल दिया जाता है कि ये हो गया एंड अंदर एक्चुअली में वैसा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये इसको एक्चुअली बोला जाता है क्लिकबेट वीडियो। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि क्लिकबेट वीडियोस मत बनाओ, सही तरीके से सोच के समझ के टाइटल दो। अच्छा, जो चीज़ आपने देखा है, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व किया है वो चीज़ करो। मोटो व्लॉगिंग एक्चुअली होता है आपके बारे में, आपके बाइक के बारे में, आपका राइडिंग एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में। सो इन्जॉय करते हुए जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में मोटो व्लॉगिंग बनाओ, ना कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें लाइक आपने क्लिकबेट वीडियो बनाया एंड फिर सिंपल सी बात है कि बहुत सारे लोग आए, आपके वीडियोस को डिसलाइक किया एंड अगेन ये चीज़ अच्छा नहीं आपका चैनल रेपुटेशन के लिए, इवन आपके रेपुटेशन के लिए। ओके, तो अभी बात करते हैं दूसरा चीज़ का। तो दूसरा चीज़ का ये है कि जब आप मोटो व्लॉग करते हो, यस काफ़ी अच्छा चीज़ है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है मेरे व्लॉग्स देखने में एंड मज़ा भी आ रहा है, राइट? बट चीज़ यह है कि ड्यूरेशन ना, मोटो व्लॉगिंग का ड्यूरेशन लोग इतना ज़्यादा खींच देते हैं कि कभी कभी तो लाइक कोई भी बंदा, सिंपल सी एक चीज़ सोचो कि आप, अगर मैं आपको ये अनएडिटेड वीडियो सीधा सीधा रिप्रेजेंट दे दूं या आपको दिखा दूं जो कि कम से कम 30 मिनट का रहेगा, तो क्या आपको ये वीडियो देखना पसंद आएगा? डेफिनेटली नहीं। जितना इंपॉर्टेंट का बात है, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आप लोग देखना पसंद करोगे। तो सेम चीज़ मैं भी आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी आप ऐसा मोटो व्लॉग करते हो तो एडिट करो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही रखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल दो। ओके, अभी इसके बाद तीसरा टॉपिक का बात करते हैं एंड यस धूप आ गया। तो तीसरा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो ये है कि आपका ऑडियो क्वालिटी। यस,
तो आपका ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, स्टिल आप लोग मुझे ऑडिबल कर पा रहे हो या फिर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उसमें लाइक दूसरे लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता, लोग सोचते हैं क्या चल रहा है, बराबर। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। आपका ऑडियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए एंड यस, ऑडियो में दो चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। पहला तो सिंपल है, आपका वॉइस काफ़ी अच्छे से आना चाहिए दूसरे लोगों को, एंड दूसरा चीज़ ये है कि लोगों को आपका बाइक का थोड़ा बहुत आवाज़ भी आना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को फील होना चाहिए कि आप लोग राइड कर रहे हो एंड जो चीज़ जो सिनेरियो में आप वो उन लोगों को पता चलना चाहिए, उन लोगों को समझ में आना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप ऑडियो क्वालिटी के बारे में देते हो। थोड़ा सा अच्छा माइक पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब भी आप लाइक मोटो व्लॉगिंग करने जा रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है एंड आप लोग भी मज़े ले रहे हो, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को भी वैसा चीज़ करना है। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ का बात करते हैं एंड वो है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि आपका वीडियो का आपका कैमरा का कैमरा एंगल, यस, आप जब मोटो व्लॉगिंग करते हो एंड आपका जो कैमरा एंगल है वो राइट होना चाहिए। तो जैसे आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अपना कैमरा एंगल सही तरीके से डिसाइड किया, आपको थोड़ा पार्ट ऑफ मेरा बाइक दिख रहा है, थोड़ा पार्ट ऑफ रोड दिख रहा है एंड उस तरीके से आपका कैमरा एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कैमरा एंगल सिर्फ ओनली ये व्यू दिखा रहा है तो आपको पसंद आएगा, या फिर आपका कैमरा एंगल सिर्फ ये व्यू दिखा रहा है तो क्या आपको पसंद आएगा? डेफिनेटली नॉट। तो अभी सो आपको ऐसा व्यू मिलना चाहिए जिसमें आपका बाइक का कुछ पार्ट दिखे, रोड का पार्ट दिखे, हैंडल का कुछ पार्ट दिखे, सो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। आप जो भी चीज़ कर रहे हो यहाँ पे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है वो टाइम पे जब भी आपका कैमरा एंगल सही तरीके से हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप मोटो व्लॉग करने वाले हो, मोटो व्लॉग स्टार्ट करने वाले हो, बेटर चीज़ है कि एक बार अपने कैमरा एंगल में देख लो कि कैसा एंगल दिख रहा है एंड फिर स्टार्ट करो। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आपने पूरा मेहनत किया, अच्छा मोटो व्लॉग बनाया, लेकिन कैमरा व्यू गड़बड़ हो गया जिसके वजह से आपका व्लॉग में मज़ा नहीं आया लोगों को। अब लास्ट पांचवा एंड लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे। यस, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो अपने आप को कुछ भी चीज़ बोलने से पहले, थोड़ा सा सोच लो एंड फिर मोटो व्लॉग स्टार्ट करो। ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपने बस रिकॉर्ड बटन दबाया एंड बोलना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बीच में बहुत सारे पॉजेस भी होते हैं, आ ई ऊ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यस, मेरे से भी गलती होता, मैं ऐसा नहीं बोलता, बट ये मेरा किस तरीके से कि बोलने का हैबिट है जिसको मैं ऑलमोस्ट नेग्लिजेट कर रहा हूँ। लाइक आप लोगों ने देखा रहेगा कि एक वर्ड मैं कभी कभी बहुत बार रिपीट करता हूँ, तो अभी भी मैं उस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँ। एंड सेम मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगा कि पहले थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो। तो प्रिपरेशन मतलब किस तरीके है का है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप बाइक चला रहे हो, आप मोटो व्लॉग कर रहे हो एंड जैसे यहाँ पे कुछ हो रहा है या फिर कुछ आपको अपडेट करना है, तो बेटर चीज़ है अपने माइंड में उस सेंटेंस को सही तरीके से बना लो, एक तरीके से कड़ी मिला लो एंड फिर उसके बाद उस पॉइंट पर आप बोलना स्टार्ट करो। तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस वॉइस का, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर जो लोग सुन रहे हैं वो। तो जैसे मैंने इसका पूरा ये वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट बनाया है, स्क्रिप्ट पूरा माइंड में मैंने रट्टा मार लिया है, तो अब मुझे पता है कि कौन से पॉइंट पे, कौन से टॉपिक पे क्या बोलना है। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक ऑफकोर्स रास्ते पे फोकस करते हुए आप बात करते हो तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा लिंक मिसिंग हो जाता है। सो दैट्स इट, ये हो गए पांच टॉपिक्स, पांच चीज़ें जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं एज अ बिगिनर एंड आप लोग मत करना, अभी आप लोगों को पता चल गया। अभी प्रो टिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एंड प्रो टिप ये है कि इंट्रो, यस, मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे इंट्रो आप जो बनाते हो वो लाइक बहुत बड़ा होता है बहुत बार, तो इंट्रो ऑलवेज छोटा रखा करो। वीडियो का ड्यूरेशन के बारे में भी मैं बोल रहा था, तो वीडियो का ड्यूरेशन मैं आपको बोलूँगा कि शुरू में 6 से 8 मिनट का रखो। देखो आपका वैसे भी आप शुरू में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो आपका वैसे भी एड प्ले नहीं होगा, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन अगर छोटा होगा तो ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे एंड अगर ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो बहुत कम लोग देखना पसंद करेंगे एंड जिसके वजह से सिंपल सी बात यह है कि आपके व्यूज़ कम आएंगे। तो जहाँ पे वॉच आवर बढ़ने का बात हो रहा है वहाँ पे आपको छोटा वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 4 मिनट का बनाओ, 6 मिनट का बनाओ, 8 मिनट का बनाओ। जैसे अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो पहले के मेरे जो वीडियोस थे वो मैं छोटा ही बनाता था,
अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए पांच बेस्ट टिप्स चाहिए कि पांच किस तरीके से आप अपना मोटो ब्लॉग सही तरीके से कर पाओ, तो वो भी नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय एंड गुड लक।